press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, मार्केट में चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है और ये मार्केट कह रहा है हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, आपको ये सेल दे रहा है। सेल लगी है यहाँ पे 10% 20% 40% 50% ऑफ, और ये शायद और आपको सेल और बढ़ा भी सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भैया देखो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इस मौके को यूज करें। ये जो सेल में आपको ऑफर मिल रहा है, इस ऑफर को पहले उठा लो। बहुत सारे स्टॉक्स आपको अच्छे दामों पे मिल रहे हैं, आप उनमें निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर कोई मुझसे पूछे सर ये खरीद लूं वो खरीद लूं, यार मेरे को तो लग रहा है मैं सब खरीद लूं, ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं सब खरीद लूं। अगर आप आज की तारीख में इंकी पिंकी पोंकी करके भी किसी स्टॉक में निवेश करते हो ना, इंकी पिंकी पोंकी करके, तो भी मैं आपको बता रहा हूं 90% आप सही रहोगे। Until unless वो स्टॉक ऐसा हो कि उसमें कुछ मैनेजमेंट ने घपला कर दिया हो या ऐसा, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर आप उसको 2 या 3 साल होल्ड करेंगे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ऑप्शंस मार्केट में अभी बहुत सारे हैं, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। और आप देखें सभी ब्रोकरिंग हाउस जो है वो अपने अपने रिकमेंडेशन लेके आ रहे हैं कि हमें ये लगता है कि ये स्टॉक चलेगा, हमें वो लगता है वो स्टॉक चलेगा। तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं यार, मैं भी थोड़ा सा है ना एक महायोद्धा दिवाली पे आप लोग के लिए पेश करूं। तो एक महायोद्धा जो मुझे लगता है कि काफी अच्छे पटाखे फोड़ सकता है आने वाले टाइम में, मैं आप लोग के लिए पेश कर रहा हूं। क्यों पेश कर रहा हूं, क्या कारण है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात फिर से याद करा दूं कि भैया जो भी महायोद्धा मैं आपके लिए लेके आता हूं उनमें कहीं पे भी मेरी कोई बाई करने की सेल करने की या होल्ड करने की किसी को राय नहीं है। किसी को मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर लीजिए, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो आप करें, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना करें। करने से पहले अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहें तो वो भी कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो भाई आज के महायोद्धा पे चलते हैं। ये महायोद्धा जो है एक फार्मा कंपनी से बिलोंग करता है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता है बेसिकली। तो फार्मा कंपनी हो गई, लार्ज कैप कंपनी है फार्मा, आप जानते हैं आजकल लाइमलाइट में बना हुआ है। तो मैं आपको उसमें से एक अपने से तराश के एक हीरा लेके आया हूं। फटाफट आपको अपने स्क्रीन पे ले चलता हूं, स्क्रीन पे देखते हैं क्यों चूज कर रहे हैं इसको और क्या है। बिना टाइम पास किए हुए आपको बताता हूं कि भाई स्टॉक का नाम क्या है। स्टॉक का नाम है नैटको फार्मा। अब देखो पहले इसके जरा फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं। मार्केट कैप इसका 23,139 करोड़ का है, प्रेजेंट प्राइस 1,292 का है, 1639 का हाई लगा चुका है और 724 का लो है। ओके, स्टॉक का पी कितना है 14.1, ध्यान से समझना, स्टॉक का पी कितना है 14.1 और इंडस्ट्री का पी कितना है 33.8, यानी कि इंडस्ट्री के पी से 50% डिस्काउंट पे इसका पी है, राइट। तो बहुत अच्छी चीज है। तो पहले तो ये हो गया कि पी वाइज मेरे को ये बहुत सस्ता मिल रहा है नैटको, सो दिस इज अगर मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का मेरे पास एक आधार हो सकता है अगर मैं कुछ समय के लिए इसको होल्ड करूं तो, राइट। चलो, कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो अगर मान लो मैं इसको होल्ड कर रहा हूं तो मुझे कुछ डिविडेंड भी मिलेगा। आरओसी 30.1% है विच इज एक्सीलेंट, आरओई 25.9 अगेन एक्सीलेंट। ओके, डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी पे कर्जा अगर बोला जाए तो ना के बराबर है 0.06, इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। ओके, प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 49.6 है, रिटर्न ऑन एसेट इज 22.1 विच इज अगेन गुड,
नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर इज 34.8%, विच इज वेरी गुड. थोड़ा नीचे चलते हैं और उसको स्क्रॉल करता हूँ नीचे, कुछ और पैरामीटर्स अगर मुझे कुछ दिखे. हाँ भाई, तो प्लेज परसेंटेज कुछ भी प्लेज नहीं है, बहुत अच्छी बात है. कंपनी दवाइयां बनाती है, आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके बारे में और ज्यादा कुछ बात करने का मतलब नहीं बनता है. एक बार जरा देख लें भाई, इसके अंदर इन्वेस्टर का क्या हाल है. तो प्रमोटर देखिए, प्रमोटर 48% पे था पहले 2021 में, अभी प्रमोटर 49.62% पे है. हालांकि इससे कुछ समय पहले तक देवर विद 49.76, तो मतलब मार्जिनली वहां से डिक्रीज किया है. तो 48 से 49 के करीब करीब प्रमोटर की गाड़ी गई है. एफआईआईज ने आप देखें तो जून 2023 से धीरे 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 इसके अंदर माल उठाया है. एफआईआईज इसको ऐड कर रहे हैं 11% से 12.82, 13.72, 16.14, 17.45, 17.51 ऐड कर रहे हैं. डीआईआईज ने ऑन द अदर हैंड इसको बेचा है उस टाइम से. अगर आप देखेंगे तो जहां पे एफआईआई खरीद रहे हैं वहां पे डीआईआईज इसको बेच रहे हैं. ये थोड़ी सी अजीब बात है. 15% था, फिर 14 हो गया, 14 से 11, 9, 8, नाउ इट इज 6.75. और पिछले 3 क्वार्टर से पब्लिक के पास ये होल्डिंग बढ़ रही है, 24 से अब 26 आई है. तो ये तो हो गया आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न. ठीक है, अब जरा कुछ चीज आपको समझा दूं. पहले चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे. तो ये देखो आपके सामने नेटको फार्मा का चार्ट आ जाएगा. गया नेटको फार्मा का डेली चार्ट है ये. हम इसको मैं आपको पहले मंथली पे दिखाऊंगा और फिर आपको डेली पे ले जाऊंगा. ये फीबो जो है थोड़ा सा हटा देते हैं. ठीक है, फीबो हटा दिया और आप देख सकते हैं मंथली पे इसका आरएसआई कुछ 64.4% का है. यहां पे ये वाला एरिया मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूं. इस एरिया को एक बार आप देखिए और ये चीज जरा आप सीखने की कोशिश करें. एरिया जो है थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा. चलो तो ये देखो मैंने एरिया मार्क किया है. पहले इस ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो, जो पट्टी देख रहे हो, ये आपका सप्लाई जोन था. मतलब जब भी ये स्टॉक इसके अंदर एंट्री करता था यहां से ये पलट जाता था. देखो यहां से इसमें एंट्री किया, पलट गया. इसने एक बार इसको ब्रेक कर दिया, अब ये यहां से ऊपर की तरफ निकल गया. तो ये जो सप्लाई जोन था पहले का, अब ये आपका डिमांड जोन की तरह काम करेगा. तो ये जो अभी आपकी येलो पट्टी है, ये आपका अभी डिमांड जोन की तरह काम करेगा. जैसे ही आपको ये कैंडल
इसके अंदर आते हुए दिखें तो वो आपका टाइम रहेगा इसको ऐड करने का, इसमें खरीदारी करने का आपका टाइम टाइम हो जाएगा, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये मैं आपको कुछ समय पहले से बता रहा हूं क्यों, ताकि आपके दिमाग में रहे और आप उस हिसाब से प्लानिंग करके रखें भाई इसके अंदर डिप मारेगा मैं खरीदूंगा। अब इसमें होता क्या है जरा ये आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। हम ऐसे को क्यों खरीदना पसंद करते हैं मैं आपको जरा पहले ये समझा, ठीक है, जरा ये समझाने की कोशिश करता। ओके देखिए रीजनिंग देता हूं मैं आपको। एक स्टॉक ऐसे गया वापस नीचे आया, फिर ऐसे गया वापस नीचे आया, मान लो फिर ऐसे गया फिर वापस नीचे आया, तो उसने ये जो लाइन है ये एक आपका रेसिस्टेंस है, ये भाई साहब इस बार फिर तोड़ के ऊपर चले गए, तो ये जब एक बार ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, कभी ऊपर नहीं जाएगा, आप कोई भी ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे जहां पे ये सीधा ऊपर चला जाएगा। ये अब एक बार वापस आएगा इसको रीटेस्ट करने के लिए, ये वाले एरिया को रीटेस्ट करेगा और इसको रीटेस्ट करके फिर निकल जाएगा। ये वाला जो एरिया है आपको इस, ये जो आपका जो पहले का रेसिस्टेंस था ये आपका अब सपोर्ट बन जाएगा, तो ये वो जगह है जहां पे अगर आप ऐड करोगे तो आपको वो स्टॉक काफी अच्छे सस्ते दाम में भी मिल गया और वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे देगा और यहां से वो छूमंतर हो जाएगा, भाग जाएगा, फुर्र करके भाग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसके यहां पे आने का वेट कर रहे हैं, इस एरिया में आने का वेट कर रहे हैं, इस एरिया में जब आएगा एंट्री मारेगा हम यहां पे इसको ऐड करेंगे। लॉजिक समझ में आया क्यों ले रहा हूं वो समझ में आ गया। ओके अब जरा प्राइस वाइज मैं एक बार आपको बता दूं कि वो कौन सा प्राइस रहेगा, तो देखो ये आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा करीब करीब 1190 के करीब करीब का आपका लेवल रहेगा, करीब करीब का 1-2% ऊपर नीचे चलता है देखो, है ना, तो उस हिसाब से इसके एरिया में आ जाएगा। आप भी अपना एक बार स्क्रीन खोल के ये एरिया देख लें कौन सा है। अब आइए जरा मैं इसको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूं आपको। वीकली चार्ट पे आप देखें तो ये एरिया देखो वीकली चार्ट पे जो है आपके सामने है, 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो 1161 पे है, और ये देखो लोअर बोलिंजर बैंड और इसका ये लेवल जो है सब एक साथ मैच करता है, तो कभी भी आपको ये गिरावट में इस एरिया के करीब करीब आता यहाँ पे मिल गया तो ये आपको लेने का जगह है, घबराने की जगह नहीं है, आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करते वक्त ध्यान ये देना है कि आपको डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ दिखना चाहिए इन लेवल्स के करीब करीब, डेली चार्ट पे कोई रिवर्सल पैटर्न दिखना चाहिए इन लेवल्स के करीब करीब। और मुझे ये जो है जैसा मैंने आपको बताया कि 1900 नहीं 1180-190 के करीब करीब ही आपको ये सारे लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, रिवर्स आने लगेंगे, उसके करीब करीब इसको जरूर ऐड कीजिएगा। मैं ऐड करूंगा नेटको फार्मा को और मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो एक चीज, एक जो तरीका है ऐड करने का मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके साथ साथ जो अभी यहां तक बचे रह गए, जो यहां तक बचे रह गए उन लोगों के लिए भी एक स्टॉक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता दूं, इस स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉप। पूनावाला फिनकॉप आज मेरे एडवांस टेक्निकल में मैंने इसके पे डिस्कस किया था, पूनावाला फिनकॉप। देखिए
अगर ये इसके नीचे नहीं जाता मंडे के दिन, ये इसका लो है, देखिए ये इसका लो है, अगर ये इसके नीचे नहीं जाता तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर ये इसके नीचे चला जाता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? पूना वाला फिनकॉप ने जो अपना लो लगाया है आज का लो है 287, तो अगर 287 नीचे, इसके नीचे नहीं जाता है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अगर इसके नीचे चला गया मान लो मंडे के दिन तो छोड़ दीजिएगा, बहुत छोटा सा यहाँ पे रिस्क है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। आज 297 पे क्लोज किया है, 287 हमारा स्टॉप लॉस है, तो अगर आपको मान लो मंडे के दिन ऐसा लग रहा है कि 287 के नीचे नहीं जाएगा तो आप उसे खरीद लें और 287 का स्टॉप लॉस आप लगा लें, अगर ये कट नहीं करेगा तो आपको काफी अच्छी रैली जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि मार्केट में गिरावट ज्यादा है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ आपसे बाद में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।